छतरपुर से खबर, जहां पर बस लूट पर बड़ा खुलासा हुआ है। बस में हुई लूट का एसपी ने खुलासा किया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलसूत्र, नकदी और देसी कट्टा जब्त किया गया है। बाइक की किश्त देने के लिए आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। दो बाइक सवारों ने बस में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर अब सियासत भी जमकर हो रही है। हालांकि इसमें अब एसपी ने इस मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि बाइक खरीदने के लिए जो लोन इन्होंने लिया था, उस बाइक की किस्त जमा करने के मकसद से इन आरोपियों ने बस में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। दो बाइक सवारों ने बस में घुसकर लूट की वारदात को छतरपुर में अंजाम दिया था। अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, दो आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी आ रही है, हालांकि इन सब के मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है। क्या कुछ अपडेट पूरा मिलकर आ रहा है इसमें? देखिए, ये दोनों जो आरोपी हैं, ये अपनी मोटरसाइकिल की किस्त जमा करना चाहते थे, लगभग 5200 रुपए कुछ किस्त थी, लेकिन उनके पास पैसा नहीं, तो उन्होंने कल ही ये योजना बनाई। और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ये उत्तर प्रदेश का जो लगा हुआ इलाका, वहां के रहने वाले हैं। और आज सुबह ही इनने कल की बनाई योजना पर अमल करते हुए सुबह ही लूट की घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन पुलिस ने इन्हें लगभग 1.5-2 घंटे के भीतर ही पकड़ लिया था और इनसे पूरा जो लूट का माल है वो भी बरामद कर लिया है। और इन लोगों का भी कोई मध्य प्रदेश में आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिल सका है, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में इनका आपराधिक रिकॉर्ड हो। ठीक है, नजर बना के रखिएगा, चूंकि दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि बाइक की किस्त जमा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, लिहाजा इन्होंने बस लूटने की प्लान बनाई और बस लूट की वारदात को अंजाम दिया। एसपी ने जानकारी दी है कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। पथरिया किराए पर दो व्यक्तियों ने बस को सवारी के रूप में रोका और बस को चढ़ के ड्राइवर को पट्टा दिखाया, धमका कर चाबी छीन ली और रोक के लगभग 6-7 सवारियों से पैसा और दो महिलाओं से छीन करके ले गए। हमने पकड़ पंजीकृत कर लिया है। पकड़ पंजीकृत करके पुलिस की दोनों की तीन टीमें अलग अलग रवाना है बेचना के लिए। उन आरोपियों को, इस प्रकार की घटना करने वाले लोगों को त्वरित एक्शन करके उनने करने का प्रयास किया, लेकिन उनको तत्काल दबोच लिया गया। ये पुलिस की, शासन प्रशासन की ही सक्रियता है।